नमस्कार, मैं हूं प्रिया। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। सुर्खियों की तरफ बढ़ने से पहले, अगर आप रोजगार से जुड़े समाचार से अपडेटेड रहना चाहते हैं तो आप हमारे दूसरे YouTube चैनल जीओवी पीवीटी को जरूर सब्सक्राइब करें, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब चले बढ़ते हैं सुर्खियों की ओर। बढ़ते गैस के दामों के बीच एलपीजी गैस सिलेंडर की बिक्री में आई कमी। पेट्रोल की तो बात ही अलग, अब डीजल ने भी लगाया शतक। नो पार्किंग एरिया में गाड़ी खड़ी की तो ट्रैफिक पुलिस का चलेगा डंडा। आज देर शाम 7 बजे होगी कैबिनेट की बैठक। जडेजा ने बताया चेन्नई की हार की हैट्रिक लगाने का जिम्मेदार कौन। अब चले बढ़ते हैं बिहार की शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बढ़ते गैस के दामों के बीच एलपीजी गैस सिलेंडर की बिक्री में आई कमी। बिहार में घरेलू गैस के दाम बढ़ने से उज्ज्वला कनेक्शन पर भी असर दिख रहा है। तेल कंपनियों द्वारा बढ़ाए गए एलपीजी सिलेंडरों की कीमतों में की गई बढ़ोतरी की वजह से आम जनजीवन त्रस्त है। आम लोग एलपीजी गैस सिलेंडर खरीदने की क्षमता नहीं रख पा रहे हैं, ऐसे में गैस सिलेंडरों का खरीद भी कम हो गया है। बिहार एलपीजी वितरक संघ के महासचिव डॉक्टर राम नरेश प्रसाद सिन्हा ने बताया कि मार्च महीने के प्रथम 2 सप्ताह में गैस की औसतन बिक्री पिछले महीने से 30% ज्यादा रही, लेकिन दाम बढ़ने के बाद अंतिम सप्ताह में एलपीजी सिलेंडर का उठाव काफी कम हो गया है। एनआईटी पटना ने तोड़ा आईआईटी पटना का रिकॉर्ड। पटना एनआईटी ने प्लेसमेंट के मामले में पटना आईआईटी को भी पीछे छोड़ दिया है। आपको बता दें कि इस बार सालाना पैकेज में एनआईटी पटना काफी आगे निकल गया। पटना के इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन विभाग की अदिति को 1,06,00,000 रुपए का पैकेज मिला, जिसके बाद आईआईटी पटना का रिकॉर्ड टूट गया। आईआईटी पटना में अब तक सबसे अधिक 61,03,000 रुपए का पैकेज मिला है। हालांकि अब तक दोनों संस्थानों का प्लेसमेंट का ग्राफ काफी बेहतर है। आपको बता दें कि पहले चरण की प्लेसमेंट प्रक्रिया दिसंबर जनवरी में ही समाप्त हो गई थी, दूसरे चरण की प्लेसमेंट प्रक्रिया जारी है। पीएमसीएच परिसर के नीचे से गुजरेगी मेट्रो। अस्पताल आने जाने वालों को होगी सहूलियत। आने वाले दिनों में पटना के सबसे बड़े अस्पतालों में से एक पीएमसीएच आने जाने वाले लोगों को सहूलियत देने वाला है। दरअसल निर्माणाधीन पटना मेट्रो का डिजाइन बदल दिया गया। अब पटना मेट्रो रेल विश्व स्तरीय पीएमसीएच परिसर के नीचे से गुजरेगी। यहाँ अंडरग्राउंड मेट्रो गुजरेगी, इसके बाद अस्पताल आने जाने वालों को काफी सहूलियत होगी। यहाँ अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन भी होगा। इसके साथ ही मेट्रो और अस्पताल के जुड़ाव के लिए प्रवेश और निकास द्वार की दोनों और 30 मीटर का छोटा सबवे भी बनाया जाएगा। स्टेशन में 2 लिफ्ट और 3 एक्सीलेटर भी लगे होंगे। घोड़े पर बैठकर बिजली बिल की वसूली करना कर्मचारी को पड़ा महंगा। बिहार के शिवहर जिले में घोड़े पर बैठकर बिजली बिल वसूलना बिहार के बिजली विभाग के कर्मचारी को महंगा पड़ गया है। दरअसल बिजली विभाग के कर्मचारी अभिजीत तिवारी पेट्रोल महंगा होने के कारण बाइक या स्कूटर के बदले घोड़े पर बैठकर वसूली कर रहे थे। ऐसा करने के बाद किसी ने उनका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दिया, जिसके बाद ये वीडियो तेजी से वायरल होने लगा। बिजली विभाग के पास जब इसकी सूचना आई तो अभिजीत तिवारी पर कार्रवाई की गई। उन्होंने पेट्रोल डीजल महंगा होने की दलील भी पेश की, लेकिन उनकी दलीलें काम नहीं आई और उसके बाद कार्यपालक अभियंता ने उच्च अधिकारियों से रिपोर्ट मांगी थी, जिसके बाद ही विभाग ने अभिजीत तिवारी पर कार्रवाई की। पेट्रोल की तो बात ही अलग, अब डीजल ने भी लगाया शतक। बिहार में पेट्रोलियम की कीमत तो आम जनजीवन की टांग तोड़कर रख रही है। पेट्रोल डीजल की कीमत रोज नई ऊंचाइयों को छू रही है। पेट्रोल की तो बात ही अलग है, डीजल ने भी अब शतक लगा दिया है। बिहार की राजधानी पटना की बात करें तो यहां पेट्रोल की कीमत 114.01 रुपए और डीजल 100.29 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है। वहीं बिहार के अधिकतर जिलों में पेट्रोल की कीमत 115 और 116 रुपए तक जा पहुंची है। पूर्णिया, सिवान, किशनगंज में पेट्रोल की कीमत 116 रुपए है। वहीं भागलपुर, दरभंगा, गया, मुजफ्फरपुर, मधुबनी और भागलपुर जिले में पेट्रोल की कीमत 115 रुपए प्रति लीटर है। फिलहाल पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों से राहत मिलने की उम्मीद नहीं दिख रही। पेट्रोल की कीमत 117 रुपए प्रति लीटर तक भी जा सकती है। अगले 2 दिन में उत्तर पूर्व के जिलों में बारिश होने की संभावना। प्रदेश भर में मौसम भी खेल खेल रही है, कहीं धूप की तपिश तो कहीं बारिश ने माहौल बना रखा है। मौसम विभाग की माने तो अगले 2 से 3 दिनों में बारिश की संभावनाएं कई जिलों में जताई जा रही है। अभी फिलहाल प्रदेश भर में कहीं बारिश तो कहीं पूर्वा हवा की वजह से तापमान में कमी आई है। हालांकि राजधानी पटना एक बार फिर से सूरज की तपिश से परेशान है। राजधानी पटना के आज का अधिकतम तापमान की बात करें तो यहां सामान्य से 2 डिग्री की गिरावट जरूर देखने को मिली। इसके साथ ही यहां का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। वहीं न्यूनतम तापमान की बात करें तो 24 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। हावड़ा जयनगर साप्ताहिक एक्सप्रेस का परिचालन हुआ शुरू। हावड़ा से जयनगर के बीच सफर करने वाले यात्रियों के लिए अहम सूचना। आपको बता दें कि हावड़ा जयनगर साप्ताहिक एक्सप्रेसवे का परिचालन आज से शुरू हो चुका है। ये ट्रेन दिन के 11:05 में हावड़ा से चलेगी और साहिबगंज, पीरपैंती, कहलगांव, शिवनारायणपुर,
एक कचारी घोघा लेखक ममलखा सबौर स्टेशन पर रुकते हुए रात 10:35 में भागलपुर पहुंचेगी। इसके बाद भागलपुर से जमालपुर के बीच नाथनगर सुल्तानगंज बरियारपुर रतनपुर सहित सभी स्टेशनों पर यह ट्रेन रुकेगी। अगले दिन 11:15 में ये ट्रेन जयनगर पहुंचेगी और फिर ये ट्रेन शाम 7:47 में हावड़ा के लिए पुनः रवाना होगी। जूनियर इंजीनियरों के रिजल्ट के बाद 8 विभिन्न विभागों में होगी पोस्टिंग। बिहार राज्य तकनीकी सेवा आयोग की तरफ से 6400 जूनियर इंजीनियर पदों की भर्ती के परीक्षा परिणाम जारी कर दिया गया। इसके साथ ही अब सफल उम्मीदवारों को राज्य के 8 विभिन्न विभाग नियुक्ति मिलेंगी। अब सिविल यांत्रिक और विद्युत जूनियर इंजीनियर की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने की कवायद भी शुरू हो जाएगी। मालूम हो कि साल 2019 में इसको लेकर विज्ञापन जारी कर दिया गया था, इसके बाद परीक्षा का आयोजन हुआ था और अब 2 साल के लंबे इंतजार के बाद इसका परिणाम घोषित किया गया है। नो पार्किंग एरिया में गाड़ी खड़ी की तो ट्रैफिक पुलिस का चलेगा डंडा। राजधानी पटना में सड़कों पर गाड़ी पार्क करने वालों पर ट्रैफिक पुलिस अब एक्शन लेगी। अगर आप सड़कों के किनारे नो पार्किंग वाले एरिया में गाड़ी खड़ी करते हैं तो ट्रैफिक पुलिस का डंडा आप पर चल सकता है। आपको बता दें कि अगर आप नो पार्किंग वाले एरिया में गाड़ी पार्क करते हैं तो ट्रैफिक पुलिस आप पर जुर्माना लगा सकती है, साथ ही आपकी गाड़ी क्रेन से उठवा भी सकती है। बढ़ रही जाम की समस्या के मद्देनजर यातायात पुलिस ने सड़कों पर खड़े वाहनों के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। बिहार के इस जिले में लगेंगे सिल्क के अस्थायी स्टॉल। वन स्टेशन वन प्रोडक्ट के तहत भागलपुर जंक्शन पर सिल्क के प्रमोशन के लिए अस्थायी स्टॉल लगाए जाएंगे। पूर्व रेलवे के जीएम अरुण अरोड़ा ने भागलपुर में घोषणा की थी कि भागलपुर स्टेशन पर वन स्टेशन वन प्रोडक्ट योजना के तहत सिल्क के प्रमोशन के लिए अस्थायी स्टॉल लगाए जाएंगे। इच्छुक लोगों को स्थायी कियोस्क भी दिया जाएगा। हालांकि ये स्टॉल अस्थायी रूप से 15 दिनों के लिए लगाया जाएगा। भागलपुर में फिलहाल सिल्क का स्टॉल लगाने की तैयारी है। हालांकि भागलपुर में सिल्क के अलावा कतरनी, जर्दालू आम और लोक कला मंजूषा भी है जिसे प्रमोट किया जा सकता है। आज देर शाम 7 होगी कैबिनेट की बैठक। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में आज शाम 7 से कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है। कैबिनेट की बैठक में कई अहम एजेंडों पर मुहर लग सकती है। बिहार में आज विधान परिषद की 24 सीटों पर मतदान भी हो रहा है, इसकी वजह से कैबिनेट की बैठक देर शाम 7 से रखी गई, लेकिन कैबिनेट की बैठक होना तय है। आपको बता दें कि वित्तीय वर्ष 2022-23 की यह पहली बैठक होने वाली है। 1 अप्रैल से ये शुरू हो रही है। मालूम हो कि इससे पहले कैबिनेट की बैठक 23 मार्च को हुई थी जिसमें 9 अहम एजेंडों पर मुहर लगाई गई थी। इस मुद्दे पर 10 अप्रैल को बिहार और झारखंड होंगे आमने सामने। 10 अप्रैल को होने जा रहे पूर्वी क्षेत्रीय अंतरराज्यीय परिषद की बैठक में झारखंड सरकार के पास पेंशन के बकाए को लेकर बिहार की तरफ से यह मुद्दा उठाया जाएगा। बिहार सरकार ने गृह मंत्रालय को इसकी जानकारी दे दी है। आपको बता दें कि साल 2000 में बिहार से अलग हुए झारखंड के निर्माण के लिए बिहार पुनर्गठन अधिनियम संसद में पारित किया गया था। इसके तहत कर्मचारियों के पेंशन दायित्व का बंटवारा बिहार और झारखंड के बीच 2:1 में किया गया था। झारखंड ने इसके लिए 3:1 का फार्मूला अपनाने की मांग की है। इस आधार पर पिछले 3 सालों से पेंशन की कोई रकम नहीं दी गई। पिछले दिनों केंद्र सरकार की तरफ से भी झारखंड को बिहार को पेंशन की तय हिस्सेदारी अदा करने के लिए कहा गया था। राज्यसभा जाने की बात पर पहली बार बोले मुख्यमंत्री नीतीश। बिहार विधानसभा के बजट सत्र के आखिरी दिन सीएम नीतीश कुमार का राज्यसभा जाने की बात सनसनी की तरह चारों तरफ फैल गई। इस बात की चर्चा चारों तरफ हो रही थी कि सीएम नीतीश उपराष्ट्रपति बनना चाहते हैं। हालांकि इन सभी अटकलों पर मुख्यमंत्री ने पुनर्विराम खुद लगा दिया है। मुख्यमंत्री ने आज राज्यसभा जाने की खबर पर कहा कि ऐसे ही सब कुछ छापते रहता है, हम भी देखकर आश्चर्यचकित हैं। इसके साथ ही बिहार में बढ़ रही आपराधिक घटनाओं पर भी सीएम नीतीश ने चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने कहा कि पूरे तौर पर सक्रियता के साथ पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए। तारकिशोर प्रसाद ने एनडीए प्रत्याशी के जीत का किया दावा। बिहार में आज विधान परिषद के 24 सीटों के लिए मतदान किए गए। मतदान सुबह 8 से ही शुरू हो गया था। विधान परिषद चुनाव को लेकर जनप्रतिनिधि अपने अपने जीत का दावा भी कर रहे हैं। विधान परिषद के 24 सीटों के लिए आज कटिहार में अपने मत का प्रयोग करने के लिए बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद और मंत्री जनक राम के साथ सांसद आलोक कुमार सुमन भी पहुंचे थे। सभी ने चुनाव में सभी सीटों पर एनडीए प्रत्याशी के जीत का दावा किया है। जडेजा ने बताया चेन्नई की हार की हैट्रिक लगाने का जिम्मेदार कौन। आईपीएल सीजन 15 के 11वें मैच में पंजाब किंग्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 54 रनों के बड़े अंतर से हराकर 2 अंक प्राप्त कर लिए हैं। अगर चेन्नई के रनों के लिहाज से बात करें तो चेन्नई की यह दूसरी सबसे बड़ी हार है। यही नहीं, 2018 के बाद ऐसा पहली बार हुआ कि चेन्नई की टीम ऑल आउट हुई हो। वहीं कप्तान रविंद्र जडेजा ने इस हार के लिए बल्लेबाजों को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा कि ऋतुराज गायकवाड़ के आत्मविश्वास को बढ़ाने की जरूरत है। पिछले सीजन में ऑरेंज कैप जीतने वाले गायकवाड़ सीजन में 3 मैच में मात्र 2 ही रन बना पाए हैं। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है सोनाली सिन्हा, राजेश दास, निर्बल, धर्मनाथ,
ज्ञानवी कुमारी, ध्रुव कुमार, सुभाष ठाकुर, वी के रंजन, आदर्श शर्मा, धनदेव धर्म, प्रद्युम्न यादव। आप इसी तरह हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हर दिन वीडियो के अंत में आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके जिले में पेट्रोल की कीमत कितनी है? अपने जवाब में कॉमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।